नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, CASB की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अपडेट आया एयरफोर्स के XY ग्रुप के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले का ही फंडा था उनको, पहले से ही सिस्टम रहा है कि बार बार इनको अगर कोई भी अपडेट देना होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल ये एक ही अपडेट दे देते हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। बस इसके सिवाय इन पर कोई अपडेट आता नहीं है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन रिजल्ट को लेकर ना ही कोई इनरोलमेंट को लेकर कोई अपडेट इनका नहीं है फुल, मैं आपसे कहना चाहूँ तो। बस इनके पास एक ही अपडेट है जो 30-40 वर्ड है उनके, उन्हीं को ये कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, बस उनका ये फंडा है। तो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है, रिजल्ट को लेके कोई अपडेट नहीं है, काफी कैंडिडेट परेशान हैं। तो भाई, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास समझ रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत से कैंडिडेट बहुत सोचते हैं कि मेरा लाइफ में ये ड्रीम था, ये था, वो था। तो देखिए, उनसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट इनरोलमेंट वाले हैं, ठीक है, इनकी इनरोलमेंट वालों के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ, ठीक है भाई, उनको तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जिनकी एज को लेके डाउट है, ठीक है, उनको अगर ये लग रहा है जो इनरोलमेंट वाले हैं उनकी एज अगर 21 प्लस हो चुकी है, तो उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, उनका तो अगर एज ज़्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको लेंगे जरूर। लेकिन दिक्कत है तो किनको, जिनको उनका रिजल्ट नहीं आया, उन कैंडिडेट को, ठीक है, क्योंकि उनका ओवर एज होते जा रहे हैं। तो उन कैंडिडेट को मैं बस एक ही सलाह देना चाहूँगा, देखिए कोई अपडेट नहीं है, आप बहुत पहले से जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का बस एक ही अपडेट आता है कि बस आप इसको रेगुलरली विजिट करो वेबसाइट को, और ईमेल को अपने विजिट करते रहो। तो वो तो आप काफ़ी टाइम से कर ही रहे हो, क्योंकि आपका जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था, और अब देखिए फरवरी लास्ट होने वाला है, 25 फरवरी है आज, और अभी तक कोई भी अपडेट यानी कि अच्छा अपडेट CASB ने नहीं दिया है रिजल्ट को लेकर, ठीक है। सेम वही अपडेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खुद भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आया है जो कि मैं आप सभी को बता दूं कि आप बोलें कि इसमें कोई बहुत अच्छा अपडेट है, कोई अपडेट नहीं है आपको रिजल्ट को लेके। और कोई भी कैंडिडेट, अगर मैं बात करता हूं, कोई भी अगर यूट्यूबर आपको ये बता रहा है ना कि यहाँ पे मतलब इस डेट को रिजल्ट आएगा या इस डेट को आएगा, भाई कोई नहीं बता सकता। आप अपना यूट्यूब पर टाइम बर्बाद मत करिए, मैं आपसे सीधी बात कहना चाहता हूँ। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत से कैंडिडेट डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, तो उन कैंडिडेट से बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, भाई टेंशन मत लो। मान लो आपका ड्रीम है, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना कि नसीब में जरूरी है, मान लो ये नहीं मिलता तो और कुछ मत करो, ये मत सोचिएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको ये रिजल्ट अगर आपका अच्छा आएगा तो आना ही है, वो तो आप सभी को पता है, ठीक है। ओवर एज हो रहे हैं बहुत, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना और किसी में ट्राई ना करें, ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो मैं बस आप सभी को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। देखिए भाई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि 12th पास कैंडिडेट के लिए और भी वैकेंसी निकलती हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, ठीक है। 12th पास कैंडिडेट के लिए और भी अभी वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि आप लोग जानते हैं SSC CHSL में आपकी वैकेंसी निकली गई है, जो कि आपकी, मैं मानता हूँ आपका जिन भी कैंडिडेट का डिफेंस का वो अलग है, लेकिन अगर 12th पास कैंडिडेट अगर और भी किसी जॉब में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो और भी कर दीजिएगा। क्योंकि भाई देखिए, SSC CHSL की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी इसकी लास्ट डेट भी अभी काफ़ी है, यानी कि 7th मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, 7 मार्च तक आप अप्लाई कर पाओगे इसके लिए। और 10+2 लेवल की वैकेंसी है, कोई भी अगर आपने 12+ कर रखा है तो आप आवेदन कर पाओगे। साथ ही CISF कॉन्स्टेबल में भी आप सभी के लिए है अपडेट। तो देखिए, अगर मान लो इन सभी में नहीं हो पा रहा है तो देखिए आप इनमें अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, और बाकी अब क्या BSF ट्रेड्समैन में भी वैकेंसी है, तो देखिए और भी वैकेंसी जो भी आती रहती हैं आप उनको सरकारी रिजल्ट या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना चेक करते रहिएगा, जिससे आपको ये रहे कि हाँ मैं आप किसी में और में भी अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। आप इसके भरोसे मत बैठिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, तैयारी में आप स्टॉप मना करें, पहले मैं आपसे बोल देता हूँ कि देखिए ये नहीं तो आप ये मत सोचिएगा कोई भी नहीं, ठीक है। आप पहले अपना जो है, पहले आप अपना कोई भी जॉब ले लो गवर्नमेंट, तो अच्छा रहेगा, तो बेटर रहेगा कि आप, मैं आप बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपका CASB अगर कोई रिजल्ट का अपडेट आएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, और वीडियो आपको मैं चैनल पर बना के दूंगा, ठीक है। आपको कहीं भी विजिट करने की कोई जरूरत नहीं, आपने देखा होगा मैंने कोई भी CASB के रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया, ना ही कोई मैंने आपको ये दिया कि मतलब इतने तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं क्यों नहीं देता भाई, क्योंकि देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होगा वही मैं बताऊँगा, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी यूट्यूबर आपको बता रहा है कि इस डेट को आएगा रिजल्ट या ऐसा होगा वैसा होगा, कोई किसी का कुछ नहीं होगा भाई, ये सब फेक है, ठीक है। कोई किसी की बात मत सुनो, बस आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ, और आप अदर एग्जाम की भी तैयारी करो, रिजल्ट आएगा तो आपको कोई ना कोई अपडेट आपको जरूर हमारे चैनल पर मिलेगा, ठीक है भाई। बाकी आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आती है लेटेस्ट कोई भी, मैं वहां पर आपको फॉरवर्ड करते रहता हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों बस यही अपडेट है, और कोई अपडेट नहीं है जो कि आप बहुत पहले से जानते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें सभी दोस्तों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।